हाँ हेलो एवरीवन। तो जावा नेटबीन सीखने की सीरीज़ में आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो तकरीबन हर एक प्रोग्रामर ने अपनी स्टार्टिंग फेसेस में ज़रूर फेस की होती है। तो गाइस, जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस के लिए जो आइकन्स होते हैं वो कहाँ से डाउनलोड करें या फिर उन्हें कैसे बनाएं। तो गाइस, अगर बात हम करें कि वो हम जो आइकन्स यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये एरोज़ के जो आइकन्स हैं ये यूज़ किए हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक क्रॉस का बटन मैंने यूज़ किया है, तो ये आइकन्स मैं कहाँ से डाउनलोड करूँ या फिर मैं कैसे बनाऊँ। तो अगर हम बात करें कि ये बनते कैसे हैं, तो गाइज़ तो एक सिंपल सा आंसर कोई भी पर्सन आपको दे सकता है कि आप फ़ोटोशॉप यूज़ कर सकते हो या आप कॉरल ड्रॉ भी यूज़ कर सकते हो इन आइकन्स को बनाने के लिए। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम गाइज़ रहती है कि हम सभी को ये पता है कि सभी के सभी को फ़ोटोशॉप भी बहुत कम आती है और कॉरल ड्रॉ भी बहुत कम आती है, तो फिर हम कहाँ से ये सारे के सारे जो आइकन्स हैं वो डाउनलोड करें। तो बेसिकली गाइज़, आज के इस इंटरनेट की दुनिया में हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिनकी हेल्प लेके मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे आइकन्स को डाउनलोड कर सकता हूँ, फिर उनको कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने ये आइकन्स अपनी मर्ज़ी से कलर किए हैं और अपनी जो मेरी मर्ज़ी से मैंने इनको डायरेक्शन वगैरह दी हुई है। तो आप ये सारे का सारा स्टफ़ गाइज़ आप खुद भी डन कर सकते हो। तो बेसिकली ये सारे का सारा स्टफ़ मैंने गाइज़ पिछले वाले जब मूविंग पैनल वाले टास्क में डिस्कस किया था, होप सो आपने अभी तक ट्राई कर लिया होगा। अगर आपको ये आइकन्स चाहिए जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये आइकन्स चाहिए, तो मैं एक आपको वेबसाइट इस वीडियो में बता रहा हूँ, आप उस पर जाइए, विजिट कीजिए और अपनी मर्ज़ी से कोई भी आइकन्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज़, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करिए और उस वेबसाइट पे विज़िट करिए। और एक बात बता दूं मैं कि मैंने कोई भी इनडायरेक्ट लिंक नहीं दिया, डायरेक्ट वेबसाइट का ही लिंक रहेगा, तो आप वहाँ से जाके निश्चिंत होकर वहाँ से विज़िट कर सकते हो वेबसाइट पे। तो गाइज़, वो वेबसाइट रहेगी हमारी icons8.com। आप पीछे अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाइए, यहाँ पे लिखिए icons8.com। तो गाइज़, जैसे ही आप इसके ऊपर विज़िट करोगे तो इसका जो होम पेज है वहाँ पे हमें मिल रहा है कि आपको कौन सा लॉगो चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली लॉगो सर्च करूँगा, तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस गाइज़ हमें मिलती हैं कि आप आइकन सर्च करना चाहते हो, फ़ोटो सर्च करना चाहते हो कि म्यूज़िक सर्च करना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ पे आइकन्स पे टिक लगाया हुआ है, तो सपोज़ आपको किसी भी कैटेगरी का सपोज़ आपको चाहिए आइकन चाहिए, तो आप सिंपली उसका नाम लिखोगे यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया एरो। तो मैं जैसे ही यहाँ से सर्च करूँगा, तो सर्च कंप्लीट होने के बाद अब मेरे पास काफ़ी सारे एरोज़ की कैटेगरी आ जाएगी। तो बेसिकली आपने वहाँ से सिंपल किसी भी एरो की कैटेगरी को पिक करना, जैसे सपोज़ मैंने इसको पिक कर लिया। तो अब पिक करने के बाद गाइज़ आप यहाँ से एक अपने एरो को सेलेक्ट कीजिए, जैसे सपोज़ मैं ये वाला बैक एरो सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ से मैंने सपोज़ इसको सेलेक्ट किया। तो जैसे ही आपको इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको एरो को कस्टमाइज़ करने की प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप यहाँ पे जाइए, अगर इसका आपको कोई कलर करना है तो सिंपली जो यहाँ पे कलर है आप उसको यूज़ कीजिए, या फिर यहाँ से कुछ कलर ले लीजिए। अगर आपको यहाँ से भी नहीं लेना तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, बैक एंड पे जाके उसका कलर कोड भी दे सकते हो। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे कलर कोड ही डायरेक्ट दे दूँ, अगर आपको कोई कलर कोड याद है, जहाँ आप देख सकते हो इंटरनेट से कि किस कलर का क्या कलर कोड रहेगा। तो यहाँ पर मैंने कलर कोड फिल किया और यहाँ पर मेरे पास वो उस कलर का आ जाएगा। तो अगर आपने इसको चेंज करना है गाइज़ बेसिकली, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो इसका भी मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, ये देखिए, तो ये कलर चेंज हो रहा है सारे के सारे आइकन का। तो आपको जैसा भी आपकी थीम के हिसाब से कलर चाहिए आप यहाँ से कलर बना सकते हो। तो कलर बनाने के बाद गाइज आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको डन करना है यहाँ से। तो जैसे आप डन करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड के ऊपर। तो डाउनलोड करने के बाद गाइज ये काफ़ी सारे फॉर्मेट हमें प्रोवाइड करवाता है, जैसे PNG, SVG, EPS, PDF। तो यहाँ पे आपको जिस पैटर्न में चाहिए आप क्लिक कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे PNG ही बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक लॉक का सिंबल आ रहा है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको PNG ही चाहिए होता है हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस के लिए। तो आप यहाँ पे जाइए और बेसिकली यहाँ पे कुछ रेजोल्यूशन वो बता रहा है कि 50 पिक्सल हैं यहाँ पे, 100 पिक्सल है और 500 पिक्सल पे लॉक लगा है। मीन्स यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा मंथली। तो यहाँ पे आप कस्टमाइज़ भी गाइज कर सकते हो, अगर मेरे को 200 पिक्सल का चाहिए तो मैं यहाँ से मैक्सिमम 100 मेरे पास पिक्सल रहेगा, मैक्सिमम 100 पिक्सल यहाँ पे अनलॉक है। तो आप इसको यहाँ पे ओके कीजिए और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए सिंपली। तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो ये जो हमारा बटन था वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ऐसे गाइज मेरे पास काफ़ी और बटन्स भी अवेलेबल हैं, आपको किसी भी कैटेगरी का अगर बटन चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सपोज़ अभी मेरे को जावा का ही कोई आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ सर्च करने वाला हूँ जावा।
तो जैसे ही मैं सर्च करूँगा इस, यहाँ पे आपने इस कैटेगरी का ध्यान रखना है जो जहाँ पे शो हो रही है मेरे पास, तो ये यहाँ पे आप ऑल कर सकते हो। तो मैंने जैसे ही ऑल किया, अब मैं सर्च करता हूँ, तो ये रहा, जावा आइकन्स भी काफ़ी सारे मेरे पास आ चुके हैं। आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से पिक कर सकते हो। तो जैसे मैं सपोज़ ये वाला जावा का आइकन चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इसको, फिर से मैं यहाँ से कलराइज़ कर सकता हूँ जो भी मेरे को इसका कलर चाहिए। और भी काफ़ी सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं, जैसे आपको बैकग्राउंड कौन सा चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए कि नहीं चाहिए, पैडिंग आपके पास है, स्ट्रोक आपके पास है, यहाँ पे इसकी आउटलाइन आ जाएगी। ऐसे अगर आप कुछ टेक्स्ट एंटर करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे लिख दूँ प्री सोल्यूशन लैब, तो जैसे मैं प्री सोल्यूशन लैब लिखा है, यहाँ पे आप उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। सपोज़ मैंने ये फॉन्ट रख दिया, उसका साइज़ अगर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, चलिए काफ़ी छोटा हो गया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो आप ऐसे ही इसको एडजस्ट कर सकते हो, कहने का मतलब है कि यहाँ से एडजस्ट कीजिए, बोल्ड करना है बोल्ड कीजिए। तो ये आ गया मेरे पास, मैं टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। ऐसे गाइज ओवरले, अगर आपको कुछ ना कुछ और ऐड करना है तो आप यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से ओवरले पे जाइए, वो आपको और सारी ऑप्शंस प्रोवाइड करवा देगा कि कौन सा आपको चाहिए। यहाँ पे देखिए एक आ चुका है, ठीक है। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट प्रेस कीजिए, ये डिलीट हो जाएगा, या फिर यहाँ से अनटिक कर दो इसको। तो गाइज़ ये एक सिंपल सा बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसका इंटरफेस काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इसको यूज़ करके गाइज़ आप कोई भी आइकन यहाँ से ईजिली सर्च कीजिए और ईजिली इसको मॉडिफाई कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। इसकी सिर्फ एक मेन डिसएडवांटेज रहती है गाइज़ कि इसको हम जो इसकी रेजोल्यूशन पिक्सल की रहती है, जो इसके साइज़ रहता है इसके पूरी की पूरी इमेज का, वो गाइज़ इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। किसी पिक्चर के किसी आइकन के आपको मिल जाएगा 64, किसी पे 128 भी मिल जाएगा। अगर आपको उससे बड़ा चाहिए तो आपको मंथली पे करना पड़ेगा। सो बेसिकली आप हमें पता ही है कि हमें स्मॉल से ही लॉगोस चाहिए, आइकन चाहिए होते हैं, तो वो सिंपली मेरे पास ये अच्छा एक ऑप्शन है, एक अच्छी ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे इस साइट पे जाऊँ और यहाँ से इजीली आइकन्स डाउनलोड कर लूँ। तो जो भी मैं आइकन, सपोज़ मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम का ही आइकन मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम क्लिक किया, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम के आइकन्स मेरे पास आ जाएंगे। और एडवांटेजेस गाइस इसकी काफ़ी सारे हैं, जैसे मैंने कुछ डिस्कस भी की। और जो इसकी मेन एडवांटेज है कि ये सारी की सारी फ़ोटोज़ को हमें PNG पैटर्न में प्रोवाइड करवाता है। तो PNG पैटर्न में होने के जो एक मेन हमारी एडवांटेज रहती है कि उसका बैकग्राउंड नहीं होता, वो इजीली हमारे जो जी हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उसमें फिट हो जाता है। तो एज़ कम्पेयर के मैं इंडिविजुअल किसी जाऊँ इंस्टाग्राम की PNG इमेज डाउनलोड करूँ, उसको रीसाइज़ करूँ, तो काफ़ी सारा हमें काम करना पड़ेगा उनके लिए। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा स्टफ़ हमें फॉलो करना है। जो भी आपको आइकन चाहिए उसको सिलेक्ट कीजिए, कस्टमाइज़ कीजिए और डाउनलोड करके अपनी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए यूज़ कर लीजिए, जैसे कि मैंने पीछे यहाँ पे किया ही हुआ है। ये रहा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने नीट एंड क्लीन आइकन्स यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो होप सो आपने पिछले वाला टास्क भी देखा होगा। तो गाइज़ जो हम अगले वाली वीडियोज़ में इन फ्यूचर करने वाले हैं, वो हमारा जो प्लान है वो यही है कि हम थोड़े ही दिनों में स्लाइडर्स को देखेंगे कि हम स्लाइडर कैसे बनाते हैं, जावा में खुद कोडिंग करना, कोडिंग करके हम देखेंगे कि खुद कैसे हम अपना स्लाइडर बनाएं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी जार फाइल। उसके बाद गाइज हम देखेंगे कि कैसे हम टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। सो काफ़ी सारे हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत ही जल्द मे बी इन नेक्स्ट वीक हम उनको अपडेट करें यूट्यूब पे। तो गाइज़ यहाँ पे रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।